नमस्कार। बहुत दिनों से हम मेरे चैनल के लिए कोई वीडियो नहीं बना पाए हैं क्योंकि सारा एफर्ट हम जेमी के चैनल के लिए डाल रहे हैं, तो मैंने आज इनको फोर्स करके बैठा लिया है कि चलिए आज बात करते हैं अबाउट आवर फेवरेट सॉन्ग, सॉन्ग्स दैट मेक अस हैप्पी। म्यूजिक का क्या है दोस्तों, म्यूजिक यू डोंट हैव टू बी अ सिंगर और प्ले इंस्ट्रूमेंट। क्या एंट्री मारी है लड़के ने, वाह देखिए। कहीं ना कहीं हमारे बेटे जो है केडन, उन्होंने सुना कि वी टॉकिंग अबाउट म्यूजिक एंड ही पॉप्ड अप। वेरी गुड टाइमिंग देयर, अनस्क्रिप्टेड अनस्केड्यूल्ड इंटरवेंशन फ्रॉम दिस लवली लिटिल चाइल्ड, थैंक यू। नहीं दोस्तों, बात यह है कि म्यूजिक, लाइक आई वाज सेइंग, यू डोंट हैव टू बी अ सिंगर और म्यूजिशियन टू एंजॉय म्यूजिक। और हम दोनों की लाइफ में, हम तीनों की लाइफ में म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू नो, जस्ट एज अ मूड इम्प्रूवर, एज अ पिकर अपर। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हम गाना गाते रहते हैं, तो बिकॉज वी लिसन टू म्यूजिक सो ऑफन, वी थॉट वी शुड टॉक अ लिटिल बिट अबाउट, यू नो, सम ऑफ द सॉन्ग्स व्हिच वी हियर एंड वी सिंग एंड वी हम एंड वी डांस टू ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिल्कुल सही। तो कुछ म्यूजिक, कुछ सॉन्ग्स हैं दैट इंस्टेंटली मेक यू स्माइल। मेरे लिए वो सॉन्ग्स 90 के दशक के हैं, क्योंकि और वो जेमी के लिए भी, वो तो आप सब जानते ही हैं। बट आई थिंक मैं और बड़ी फैन तब हो गई आफ्टर आई मैरिड जेमी, बिकॉज आई फेल्ट कि वो एक जब हम सुनने लगे तो मैं यूज्ड टू हो गई एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग द म्यूजिक मोर। पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सभी गाने, तुझे देखा तो आएंगे वापस तुझे देखा तो ये जाना सनम, आई थिंक इज माई ऑल टाइम फेवरेट। अगर रोमांटिक सॉन्ग्स की बात की जाए तो उसको सुन के बिल्कुल मतलब अच्छी सी फीलिंग होती है। इनको आना था वापस, गए वो, ये अपना करेंगे, आएंगे जाएंगे, इन्हीं का घर है, इन्हीं का शो है। नहीं बिल्कुल बात सही की है मैंने, एंड फॉर मी दिस ऑल्सो इज दैट वन सॉन्ग which really picks me up. It's also it's a Hindi film song from the 90s. Kabhi Haan Kabhi Na Ka Deewana Dil Deewana. Kabhi bhi ye gaana baj jaye by shuffle, you know, by random kahin radio mein ya kahin bhi aa gaya, to main bas I'm taken back to a certain time jab life mein innocence thi, ek was just like a happy time, you know, jahan pe dukh nahi the apni life mein. Bachpan mein main cycle mein Mussoorie mein chal ke walkman laga ke wo gaana sunta tha. Even now, you know, driving, jab maine motorbike चलानी सीखी थी कुछ साल पहले, वेरी लेट इन लाइफ टू बी ऑनेस्ट, इन मसूरी आई हैड दैट सॉन्ग सिंगिंग एंड यू नो इट्स जस्ट अ वेरी हैप्पी सॉन्ग। बहुत लोग इस बात को समझ सकते हैं, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाज़ में वो गाना, दैट्स माय गो टू सॉन्ग फेवरेट। आई हैव संग दिस आल्सो ऑन वन ऑफ माय अदर चैनल्स, बट इसको छोड़ दो। केडन से पूछा जाए क्योंकि अभी वापस आ गए, क्या लेके आए हैं आप साथ में, व्हाट इज दिस? फॉर अ स्ट्रेंजर हैट, इनका कॉर्बेट पार्क से। इनकी बात और गिटार है। केडन आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? स्मैश माउथ एक रॉक बैंड था, अर्ली 2000s, लेट 90s, अर्ली 2000s, लेट 90s, अर्ली 2000s, उनके उसके गाने हैं। एक श्रेक मूवी में उसका जो ये बच्चों की कार्टून फिल्म है श्रेक, आई एम अ बिलीवर, उसमें वो एक गाना है, वो इनको बहुत पसंद है। और एक ऑल स्टार करके है ना, एक गाना है ऑल स्टार, ये अभी तो 6 के हैं, तकरीबन 3 के थे जब उन्होंने ये गाना सुना था। और इसके जो बीट्स हैं, द रॉक, द रिफ, द गिटार रिफ, ये इनके फैन हो गए। फिर उन्होंने बहुत जल्दी 4 साल की उम्र में ही वो गाना इतनी बार सुना कीर ने कि उनके वो बोल जान गए, जो कि काफी 4 साल के लिए काफी मुश्किल सॉन्ग है वो। Somebody wants to me, क्या क्या ऐसी है ना कुछ, अच्छा आई कैन नॉट सिंग दिस सॉन्ग। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये 2 साल के थे तो बादशाह का एक गाना था, अभी तो पार्टी शुरू हुई, बहुत डांस करते थे एक्चुअली, डांस तो नहीं कर पाते थे पर कुछ वो गाना सुन के, तो पहले ये था। बट एज हैपेंस विद किड्स, आपकी याददाश्त निकल जाती है एट अ वेरी यंग एज एंड यू फॉरगेट सॉन्ग्स, बट दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग ही रियली लाइक्ड। एंड ऑफ कोर्स स्मैश माउथ, एक जस्टिन टिम्बरलेक, आई नो यू कैन सिंग इट, यू संग इट मेनी टाइम्स, चलिए गाइए। यू फॉरगॉट, कैमरा शाय है, ये स्टेज फ्राइट अभी से हैं, लेकिन ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये अपने स्कूल में जब प्री केजी में थे, अब केजी में, अब क्लास 1 में, ये सबके सामने स्कूल के सामने ये बोलते रहते हैं कुछ, तो ही जस्ट एक्टिंग राइट नाउ, थोड़े शाय हो गए आपके सामने। बट जस्टिन टिम्बरलेक सॉन्ग हैप्पी, ये भी जब ये सुनते हैं तो ये पूरा ये डांस करते हैं, लाइट्स लगा के पार्टी का माहौल करते हैं, फिर हम दोनों भी डांस करते हैं। वेल शी कैन डांस, आई आपके बर्थडे में था, बिल्कुल हैप्पी। मेहा, आई थिंक कि मेरे लिए तो अलग अलग मूड के सॉन्ग्स होते हैं। कई कई बार मैं बस स्पॉटिफाई पे जैज़ की लिस्ट लगा देती हूँ एंड आई लाइक लिसनिंग टू इट इन द इवनिंग्स। जेमी कई बार
उनको भी पसंद आता है. कई कई बार हम 90s के जो इंग्लिश सॉन्ग्स है, एस ऑफ बेस और कॉटन आई जो के कॉटन आई जो एक गाना है, इनको भी वो पसंद है, उसकी बीट जिस तरह की है. तो बिल्कुल 90s के जो इंग्लिश वाले गाने थे वो सुन लेते हैं. यू टू निर्वाणा ये सब पहले सुनते थे, अब यू टू तो अभी भी सुन लेते हैं. एक कोल्ड प्ले का भी हम लोग काफ़ी फैंस हैं इंग्लिश में, कोल्ड प्ले सुनते हैं. एक द साइंटिस्ट करके एक जो सॉन्ग है, बिल्कुल. तो कोल्ड प्ले का जो साइंटिस्ट गाना, एक बार मैंने इनको हर 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 रात को सोने से पहले मैं इनको बुक पढ़ाता हूँ, तो वो सो नहीं रहे थे, मेरा कुछ काम था तो मैंने बस वो द साइंटिस्ट लगाया था और ये इतने तो ये साइंटिस्ट सुन के एक तो उनको नींद बड़ी जल्दी आ गई. फिर दूसरे दिन उन्होंने पूछा, डैडी वो कौन सा गाना था? फिर उन्होंने ही ऑल्सो किरण ने वो गाना सुना काफ़ी बार, तो उसके जो बोल है ज़्यादातर वो भी जानते हैं. अभी पूछ रहे हैं मेरे कान में कि कैन वी सिंग दैट सॉन्ग. तो आई थिंक यही सब गाने हैं हमारे लिए. एक चीज़ है, हाल ही में ऑनलाइन क्लासेस में कुछ 3-4 हफ्ते पहले इनकी जो म्यूजिक टीचर है, म्यूजिक मैम, उन्होंने पूछा था कि किरण आपको कौन सा गाना अच्छा लगता है, एंड आउट ऑफ द ब्लू ही सर क्या आ ए ओ ओ. अब कहीं ना कहीं ये जो हम 90s की हम प्लेलिस्ट कर रहे हैं के बारे में बात कर रहे हैं, ही वुड हैव हर्ड दैट सॉन्ग एंड ही बोल दिया. मैं जो कूदा उस इनके टैबलेट का म्यूट बटन दबाने के लिए, बट अकली वो म्यूट पर था. मैंने इनकी मैम अगर सुनेगी कि बच्चा 6 साल का 1994 का राजा बाबू वाला गाना का बोल रहा है, तो आई सेड ही नोस दिस इज वी कॉल दैट अ सिली सॉन्ग राइट व्हेन डैडी प्लेज इट इन द कार. तो वही दोस्तों की हिंदी और इंग्लिश दोनों काफी इनके जो म्यूजिक हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे हमारे लाइफ में. कौन सा, व्हिच वन डू यू वांट टू सिंग? अब ये कह रहे हैं कि बेसिकली बोलना बंद करें और इनको सुनने दें. चलिए 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 गाइए. नो यू सिंग, यू सिंग द बेस्ट आउट ऑफ ऑल थ्री ऑफ अस. ओके, कौन सा गाना है बोलो. नहीं नहीं, वी आर नॉट सिंगिंग किरण, आप खुद गाइए. ओके ओके क्योंकि हम सुबह अलग कुछ वाइब का म्यूजिक चलाते हैं, शाम को कुछ अलग, एंड वी बोथ लव म्यूजिक, वी बोथ लिसनिंग टू म्यूजिक, तो ये भी बहुत एंजॉय करते हैं. जब तक मेरे कान में रात को कुछ म्यूजिक नहीं बजता, ये मेरा हॉस्टल डेज से 90s का ये एक सीन है कि जब तक गाने नहीं बजते मुझे ठीक से नींद नहीं आती. मैं अगर वॉक भी करता हूँ, मैं अगर लॉकडाउन में अगर जीनो हमारे ग्रोसरी शॉप में वहाँ गया तो मुझे गाने सुनने, मैं कहीं पेमेंट डिपॉजिट करने गया था तो मुझे गाने सुनने, गाड़ी में तो हमेशा यू नो गाने बजते. आई थिंक म्यूजिक इन द कार इज जस्ट बिल्कुल, एंड लाइक आई वाज सेइंग, यू डोंट हैव टू बी अ सिंगर or a musician or you know an instrument just to appreciate music, and it's like in your mind there's a soundtrack for every moment, you know. That's true. Very coffee, well said. Coffee banate hain subah to ek soundtrack hai uske liye, to yeah. Chaliye phir ye gaye kuch aur karne. Bye bye. Bye. Acha acha. He also loves the camera. Aaj thode shy ho gaye. Anyway dosto, ye tha something halki fulki light about us, since the appreciation for our family videos has been so much. Yes, thank you so much for joining us. Or please mere channel ko bhi subscribe kijiye. Please do not stop the video. Kitni der tak chalana hai? Yeah, abhi hum inke liye alag se video karwayenge. You have not even had breakfast. Chaliye phir. And do let us know what are the songs that make you feel happy. In fact, हम एक list बना के डाल दें description box में. डाल देंगे हम list. बिल्कुल बिल्कुल. हमारे 10 songs which we feel you please hear today. Those are the 10 songs we will sing. What is that? हाँ बोलिए. कुछ बोलना है like subscribe करके जो आप मेरी नकल उतारते हो किरण. Thumbs bye. Up. Bye. And bye. Ring the bell. Ring the bell. And yes. Send lots of comments. चलिए दोस्तों. चलिए. Take care. Thank you so much. Jai Hind.